हुजूर वाला, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये दौर वाकई ख़तरनाक भी है और ख़ौफनाक भी है। इस दौर में गरीब से लेकर अमीर तक, फैक्ट्रियों वाले तक, सभी लोग इससे मुतासर हैं, सभी महंगाई के रोना रो रहे हैं और सभी इससे परेशान हाल हैं। लेकिन क्या वाकई इन हालात में परेशान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मुतमईन रहना चाहिए, ख़ुद को मोटिवेट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आज के इसी टॉपिक पर हमारी आज की वीडियो है। दोस्तों, हमारे दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है हम उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, जबकि जो चीज़ हमारे इख्तियार में है हम उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते, और इसी वजह से हमारे अंदर टेंशन, एंग्जाइटी और बहुत सा डिप्रेशन भर जाता है, जिसकी वजह से हम हर वक्त परेशान रहते हैं। मिसाल के तौर पर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में सियासी इंतशार है। आप ठीक कर सकती हैं, मैं ठीक कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, हम दोनों नहीं कर सकते। तो फिर दो दो घंटे टीवी के सामने बैठना और चौकों पर, चौराहों पर, गलियों में बैठकर दो दो घंटे क्या सरायाँ करना कि फलां यूं करेगा और यूं होगा, इसका क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मुल्क में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, बिजली के यूनिटों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, आप और मैं बिल्कुल भी इन्हें ठीक नहीं कर सकते। तो फिर दो दो घंटे, तीन तीन घंटे इन पर कयास रायां करना, इस पर बहस करना, उसका ज़रा भी फ़ायदा नहीं होगा। उस वक़्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट नहीं करेंगे, अपनी अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कि ये मसाइल वैसे ही रहेंगे। दोस्तों, आप क्रिकेट खेलते हैं, अक्सर औकात एक ऐसी डिलीवरी आ जाती है जो नॉट प्लेबल होती है, आप क्या करते हैं, उसे लीव कर देते हैं। उस लीव करने का मकसद ये होता है कि वो बॉल एज ना कर जाए या फिर इंजरी ना हो जाए, पेट में ना आ लगे बॉल। और अगर हम उसे इस तरह ना करें तो इन दोनों सूरतों में एक सूरत हो सकती है, या बंदा आउट हो सकता है या बंदा इंजर्ड हो सकता है। इसी तरह आप अपने दायरे में रहें, उस किस्म की डिलीवरी को खेलने की कोशिश ना करें जो मुश्किल हो। आप उसे में इन्वॉल्व होंगे, आप उसको टच करेंगे, कुछ करेंगे तो या आप एज हो सकते हैं या फिर आप इंजर्ड हो सकते हैं। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा था, अब भी गुजर रहा है, और शायद हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसे जल्द तरक्की की राह पर गामजन करे। आप अपनों को वक्त दीजिए और घर वालों को वक्त दीजिए, उन लोगों को वक्त दीजिए जो आपको अपने घर में बैठकर चाय पिलाते हैं, ना कि उन लोगों से ताल्लुक़ तोड़िए उन दो टुके की सियासतदानों के लिए जो लोग आपसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, जिन्होंने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया कि आज पाकिस्तान कर्ज़ों पर सांसें ले रहा है, कर्ज ना मिले तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है। तो खुदारा आप उनकी मोहब्बत छोड़िए, ख़ुद पर काम कीजिए, पाकिस्तान की खातिर काम कीजिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखिए, ना कि उन सियासतदानों को। ख़ुद पर काम कीजिए, अपनी आमदनी के ज़राए को बढ़ाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें और इन मामलों से डील कर सकें। मुल्क में शदीद महंगाई जितनी है इससे चार गुना ज़्यादा होने वाली है, सो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस सियासत के चक्करों में जब आप पड़ेंगे तो आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे जो आप अर्निंग कर रहे हैं। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।